हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, लौकी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा फायदेमंद है। और लौकी की सब्जी फ्रेंड्स हम बहुत तरीके से बना कर खाते हैं और उसकी बहुत सारी रेसिपी भी बनाई जाती है। तो आज इस लौकी से हम भुजिया बनाएंगे, तो आइए बनाना शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसे कुछ इन्ग्रीडियंट्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 किलो लौकी लिया हुआ है और ये बहुत नरम है, ताज़ी लौकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका छिलका हम निकाल लेंगे। जब सारे छिलके निकल जाएंगे तो इस तरह से दोनों तरफ से किनारों को हम काट लेंगे। इनको यूज नहीं करना है, इनको हम हटा देंगे। और फिर देखिए फ्रेंड्स, लौकी को हम इस तरह से धुल कर साफ कर लेंगे पहले छिलने के बाद। और देखिए फ्रेंड्स, लौकी को भी काटने का अपना अपना अलग तरीका है, जिससे जैसे काटना हो। और लौकी अगर भारी है, हाथों में संभाल नहीं आ रही, तो आप इस तरह से टुकड़ों में करके फिर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से लौकी को पकड़ लेंगे और चाकू से इस तरह से छोटा छोटा इस तरह से कट देते जाएंगे। जब चारों तरफ से इस तरह से कट हो जाएंगे तो इस तरह से हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये भी बहुत आसान तरीका है। लौकी खाने या इसका जूस पीने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। लौकी का जूस पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और कब्ज की शिकायत दूर होती है, दिल से जुड़ी परेशानियाँ भी दूर होती है, लीवर की सूजन कम होती है, शरीर के विषैले पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे ही करते हुए सारे लौकी को हम काट लेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं काट सकते हैं तो आप कोई भी सब्जी कटर से इसको काट सकते हैं। हमारे पास एक सब्जी कटर है, इसी वेजिटेबल कटर से लौकी को हम जलेली काट लेंगे और फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लौकी को इस तरह थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है हमें। उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उठाकर इस तरह से प्रेशर देंगे इस पर रखकर। ये बहुत ही जल्दी इस तरह से कट कर तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमने सभी सब्जियों को काट लिया है। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से सब्जी कट कर तैयार है। अब आइए बनाना शुरू करते हैं। आधा चम्मच जीरा लेंगे और लेंगे यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च और 3-4 लहसुन की कलियाँ लेंगे, उन सबको काट लेंगे। कढ़ाई में रखेंगे 3-4 चम्मच ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हो। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे जीरा को और जीरा को भुनने देंगे। जब जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा तो लहसुन और मिर्च को डाल देंगे। आप चाहें तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको हल्का कलर आने देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भुन चुके हैं, अब इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। जब इतना हो जाएगा तो डाल देंगे लौकी को, जो अभी हमने काट कर तैयार किया है। थोड़ा सा पहले डालेंगे और गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। और थोड़ा सा सब्जियों को डालने के बाद पहले इसको हम चला लेंगे ताकि नीचे के जो मिर्च हैं वो जले ना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर से दोबारा सब्जियों को डालेंगे। अब दोबारा सब्जियों को डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगा देंगे। जब ढक्कन लग जाएगा फ्रेंड, तो सब्जियां पानी छोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मिनट बाद सब्जियों ने इतना पानी छोड़ दिया है। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सब्जियों में नमक आप चाहें तो शुरुआत में भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा इस तरह से करने का रीज़न ये है कि जब सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, जब सब्जियां थोड़ा सा गल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, तो सब्जियां कम हो जाती हैं। तो इस समय आप अगर नमक डालेंगे तो आपको अंदाज़ा इसका सही मिलेगा। अगर आप पहले डाल देते हैं नमक, तो आप सब्जियां जितनी रहेंगी उस हिसाब से आप नमक डालेंगे, तो सब्जियों में नमक कभी ज़्यादा भी हो जाता है। अगर पहले डालें तो नमक थोड़ा ही डालें, बाद में टेस्ट करके डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम नमक और हल्दी को डालेंगे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने हल्दी से पहले 1 चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लिया है, उसके बाद हल्दी पाउडर डाली हूँ 1/2 चम्मच। नमक डालते समय का वीडियो हमसे स्किप हो गया फ्रेंड्स। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे इनको पकने देंगे। आँच को बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखेंगे। और देखिए यहाँ पर 2 मिनट बाद हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए सब्जियाँ अभी कच्ची हैं, लेकिन सब्जियों ने इतना सारा पानी छोड़ दिया है। इसको फिर से मिक्स करेंगे और ऐसे ही करते हुए ढकते हुए सब्जियों को पका लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बीच बीच में चलाते हुए ढकते हुए हमने पका लिया है सब्जियों को। अब सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं और पानी भी सूख चुका है। बिना ऑयल के भी बहुत तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं और मैं भी बनाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इस सब्जी में भी आप तेल डालिए या फिर ना डालिए, या फिर कम तेल में बनाइए, ज़्यादा तेल में बनाइए, जैसे चाहें वैसे आप बना सकते हैं। आज मैं इस तरीके से सब्जी बनाई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सब्जी है और ये सब्जी बनकर तैयार है। सो फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।